हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पहली क्लास की सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अब हमारी दूसरी क्लास चल रही है, जिसका हम नया टॉपिक लेके आए हैं मैथ से, जो कि है उम्र आधारित प्रश्न, जो कि परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस इसको थोड़ा समझना होता है ये किस तरीके के होते हैं। या एक और बात, ये 3 या 4 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इन 4 टाइप क्वेश्चन को समझ लिया तो एक कोई भी एज आधारित क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलते हैं और बात करते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं। देखिए, आपसे किस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 3:1 था, ए व बी की वर्तमान आयु क्या है। समझ में आया कि इसमें आपको दिया होगा कि कोई ए और बी हैं जिनकी प्रेजेंट एज का आपको रेशियो दिया होगा। उसके बाद बोलेगा 6 ईयर बिफोर या आफ्टर उनका रेशियो इतना हो जाता है, तो उनकी एज क्या है। देखिए, अगर इस सवाल को आप लेंथी तरीके से सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से करना होगा आपको कि 5x+6 -6 और 2x-6=3:1, और इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी लेंथी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको लेंथी ना करते हुए सीधा सीधा फोकस करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, ये पहला वाला जो रेशियो है इसको फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरा वाला रेशियो सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, हमसे अगर निकालना है ए की एज तो पहले वाले फर्स्ट वाले रेशियो में जो प्रथम अंक है उसको हम लिख लेते हैं, वो है 5, हमने लिख लिया 5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सेकंड है उन दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर लिख लेते हैं। तो ये क्या 3:1 है, इन दोनों का अंतर क्या होगा 2। अब क्या लिखते हैं, जो हमें 6 ईयर्स बिफोर या ये आफ्टर दिया है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन इन दोनों की फर्स्ट और सेकंड के जो हमारे रेशियो हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 5:2 और ये लिखा है 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5-6=-1, माइनस हम साइन लेंगे नहीं, सीधा लिख देंगे 1, और इसमें ए की एज क्या आ जाएगी 60 ईयर, कितना आ जाएगा 60 साल, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें इसमें से पूछता कि इसकी बी की वर्तमान एज क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो इसमें फर्स्ट वाले रेशियो में जो सेकंड डिजिट है उसको लिख देंगे, ये लिखा 2, तो कितना हो गया 24। यदि हमसे पूछा इसी क्वेश्चन को कि दोनों की आयु का सम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले रेशियो है इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5/2 कितना हो गया 7। अब इन दोनों करो, 6 × 2 = 12, 12 × 7 = 12, आप जब इस तीनों की मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर होगा आप यहां लिख देंगे उसका आंसर आ जाएगा। यदि हमसे पूछता कि दोनों का अंतर क्या है एज का, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लिख देंगे फर्स्ट वाले का। सब कुछ जो करते हैं फर्स्ट वाले रेशियो पे करते हैं, याद रखना। तो 5 और 2 रेशियो का डिफरेंस क्या है 3, यहां पे आप लिख दोगे 3, तो कितना आ जाएगा 6×6=36, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 36। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि भाई अगर दोनों का हमसे योग पूछा है, इसका अंतर पूछा है, या पहले की एज पूछी है या सेकंड की एज पूछी है। तो ध्यान रखो, फिर से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले अगर पहले की एज पूछी है तो पहली वाली डिजिट लिखिएगा, हमने लिखा इसमें 5, उसके बाद जो सेकंड वाला रेशियो है उसका डिफरेंस लिखिएगा, वो हुआ 2, उसके बाद हम लिखेंगे जो हमें 6 ईयर्स पूर्व वाला जो हमें मतलब ईयर्स दिए हैं उसको लिखिएगा 6, और अपॉन करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस, जो कि है 5:2, 3:1, इनका क्रॉस किया मल्टीप्लीकेशन 3×2 = 6 और 5×5 कितना आया 1। तो हमें पता चला कि किस तरीके से एज निकालेंगे। अगर हमसे ए की पूछेगी तो ए की निकाल सकते हैं, बी की पूछेगा तो बी की निकाल सकते हैं, दोनों का सम पूछेगा दोनों का निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक बार खुद से पूरा दिमाग लगा करोगे तो इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसी चैप्टर के दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे, वो भी बहुत ईजी है। ये कहता है कि 4 वर्ष पूर्व ए व बी के उम्र का अनुपात 3:2 था, मतलब 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 3:2 था, 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:4 हो जाएगा, तो ए का वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए, उसमें सिर्फ एक ही ईयर दिया था, इसमें 2 ईयर्स दिए हुए हैं, पूर्व भी दिया है
और बाद का भी ईयर दिया है। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके दो इक्वेशन बनाने से अच्छा है कि इसको हम ट्रिकी से सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये देखेंगे जो हमारे रेशियो हैं 3:2 और 5:4, इन दोनों का जो डिफरेंस है इस तरीके से वो इक्वल है या नहीं है। तो 5 में 3 5 में 2 और 4 में 2 गया 2, जब ये डिफरेंस इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमको दोनों ईयर्स दिए हैं बिफोर और आफ्टर उन दोनों को सम करेंगे और जो इन दोनों का डिफरेंस आया है उससे डिवाइड करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया है जिसमें पूर्व और बाद की दो ईयर्स दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे इस तरीके से कि दोनों का जो रेशियो है उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, जो हमें पूर्व और बाद का हम जो साल दिए हुए हैं दोनों को जोड़ेंगे और जो दोनों का डिफरेंस है उसे डिवाइड कर देंगे। तो 6 और 4 कितना हुआ, 10। 10 को डिवाइड किससे दिया, 2 से, कितना आया 5। अगर अब हमसे पूछेगा कि ए की वर्तमान आयु क्या है या बी की क्या है तो कैसे निकालेंगे, सीधा निकाल सकते हैं, जो हमारा आंसर आया 5 इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पहले वाले रेशियो में, तो ए की आ जाएगी। तो निकालते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, 4 वर्ष पूर्व थी लेकिन हमें प्रेजेंट में निकालनी है तो ये 4 वर्ष क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 19। अगर ये पूछता कि बी की एज कितनी है तो 5 की 3 की जगह यहां पे 2 की मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना आ जाता, 14। समझ में आया आप लोगों के, अगर दो मतलब आपसे दो इयर्स के बारे में पूछा है जो कि बिफोर या आफ्टर है और रेशियो दिया हुआ है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि इन दोनों रेशियो का जो इस तरीके का डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं। जब इक्वल आता है तो दोनों को ऐड करेंगे इयर्स को, जो बच के आया था माइनस, जो मतलब जो इक्वल संख्या आई थी उससे डिवाइड देकर और एक ही एज के लिए प्रथम वाले में मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या की और जो हमसे पूर्व वाला उसको ऐड कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, इसकी वर्तमान एज आ जाएगी। ये तो हुआ दूसरा टाइप। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की। देखिए सवाल क्या कहता है, ए बी व सी, इसमें 3 लोग हैं कि प्रेजेंट एज का अनुपात दिया हुआ है 4:7:8, 4 वर्ष पूर्व उनके उम्र का योग 83 वर्ष था तो ए की वर्तमान उम्र क्या है। अगर देखिए इसको हम पहले थोड़ा लेंथी तरीके से समझते हैं, अगर हम सबकी पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, पहले की 4x 7x और 8x लेंथी तरीके से, उसके बाद क्या करेंगे, पूर्व है तो प्रेजेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सब में 4 ऐड कर देंगे। अब तीनों को जोड़ के किसके बराबर लिखेंगे, 83 के, उसके बाद सॉल्व करेंगे, काफी लेंथी हो जाएगा, इतना वक्त हम लोगों के पास नहीं होता है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये कितना है, 4 साल है और ये कितने व्यक्ति हैं, 3 हैं। तो जो हमें वर्ष दिए हुए हैं अगर ये 2 होते तो 2 में मल्टीप्लाई कर देते, 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस जो हमें टोटल एज दी हुई है उसको ऐड कर देते हैं, कितना हुआ 95। अब क्या करेंगे, यदि हमसे ए की वर्तमान आयु पूछी है और या बी की पूछी है, सी की पूछी है, हमसे पूछी है ए की, तो ए की डिजिट क्या है, 4, हमने लिखा है यहां पे 4 मल्टीप्लाई, जैसे आप किसी का रेशियो निकालते हैं, ये सवाल हो गया कि ये 95 है और 95 में जो रेशियो है वो 4, 7 और 8 का है तो ए का इसमें कितना है हिस्सा, इस तरीके का क्वेश्चन बन गया। तो मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई 95 अपॉन तीनों का सम, तीनों का सम कितना हुआ, 4 और 8 कितना हुआ, 12 और 12 और 7 कितना हुआ, 19, इससे हमने काटा तो कितना है, 20। इस तरीके से हमने निकाला कि इसकी एज 20 ईयर से, अगर हमसे पूछता कि बी की एज क्या है तो यहाँ पे 4 के स्थान पे हम 7 की मल्टीप्लाई कर देते, अगर सी की एज पूछता तो हम यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई कर देते। तो ये इजी है, होता है लेंथी तरीके से, क्योंकि लेंथी तरीके से करने के लिए इतना वक्त नहीं होता कि हम उस पर बार बार एक्स मान के चलें या उसको एक्स करके सॉल्व करें, इसलिए यही ट्रिक अगर अपनाएंगे तो सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने का वक्त भी मिल जाएगा। देखिए लास्ट, इसका लास्ट टाइप जो है ये, देखिए सवाल जो होता है इसका आयु, एज के सवाल होते हैं वो क्या होते हैं कि गुना हो जाती है आयु या 3 गुना 4 गुना, बस उसको धीरे धीरे समझना वो कहना क्या चाहता है। जैसे यही सवाल है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है,
पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र। देखिए इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तीनों में रिलेशन बनाए रखता है, मतलब कौन सा ऐसा कॉमन है। जैसे इसमें माता के साथ पिता भी हैं, क्योंकि माता पिता जो माता है पिता से 5 साल छोटी हैं। अब देखिए ये ही माता का कनेक्शन बेटी के साथ भी है कि बेटी जो है वो 3 गुना छोटी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एक को मान लेते हैं, माता को कॉमन मान लेते हैं, ये मान लिया कि माता की जो आज आयु है एक्स है। इस ऐसे सवालों में एक्स मान के सॉल्व किया जा सकता है। हमने माना माता की एक्स है और फिर हमने क्या बोला, इसने उन्हें बोला हमसे कि पिता की आयु माता से कितनी है, 5 वर्ष बड़ी है, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। समझ में आया। और फिर आगे कहते हैं कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्री की आयु क्या होगी, माता की आयु में अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो पुत्री की आयु आ जाएगी, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन 3। अब क्या कह रहा है, पुत्री अब 10 वर्ष की है, मतलब जो एक्स अपॉन 3 है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 30। अब एक्स बराबर 30 आ गया तो हमें ये पता चल गया जो माता की आयु है वो 30 वर्ष है, पिता की आयु 35 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री समय 10 वर्ष की है, तो अगर इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना, 25। इसका मतलब ये हुआ कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु 25 इयर्स थी। तो इस तरीके के हमने 4 टाइप बताए आपको, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन इससे पुट अप किए जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा अलग अलग तरीके से पुट अप किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे है कि आपको पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि ए और बी की प्रेजेंट एज का आपको रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद 6 इयर्स बिफोर उसका रेशियो दिया हुआ है, और ए और बी की वर्तमान आयु क्या, ये पूछा है। इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दो संख्याएं ए और बी, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:2 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर या 6 घटाने पर उनका अनुपात 3:1 हो जाता है, तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। बिल्कुल जैसे कि हमने एज वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके सॉल्व करेंगे, वही कि 6 वर्ष, वही मतलब जैसे हमने लिखा था सबसे पहले पहली संख्या की डिजिट, उसके बाद जो हमें दिया है बिफोर या पहले वाला, उसके बाद सेकेंड वाले का डिफरेंस अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस, तो ये कितना था, 3:1 और 5:2 1 आया था, तो कितना आ गया, 60। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। मतलब इस सवाल, इस क्वेश्चन को संख्या के रूप में ही पूछा जा सकता है। तो देखिए एक और बात, यदि बिफोर आए या बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका यही है, संख्या जुड़े या घटे तब भी तरीका यही काम करेगा। हाँ एक और तरीका इस सवाल को इस तरीके से वो मॉडिफाई कर देता है, ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात इतना है, प्रत्येक व्यक्ति 6 रुपए बचत करता है या 600 रुपए बचत करता है, उसके बाद जो उनका अनुपात बचता है इतना रहता है, तो उन प्रत्येक की मतलब आय कितनी है ये बताना हो तब भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी थ्योरी चेंज कर दी जाती है लेकिन तरीका वही रहता है जो हम पहले सवाल में मैंने बताया था। और इस सवाल में हम तरीके कुछ भी पता कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि दोनों संख्याओं का सम बताइए, दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, तो अगर सम पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, और डिफरेंस पूछ रहा है तो पहले वाले दोनों को माइनस कर दीजिए, सिर्फ अंतर कहां पे रहता है, यहां पर। अगर हमसे पूछा इनका अंतर कितना है तो 3 लिख दिया, और पूछा कि उनका सम कितना है दोनों का तो हमने 7 लिख दिया। तो इस सवाल को हम 3 तरीके के सवालों के रूप में भी देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी मैथ आधारित क्लास समाप्त होती है। अब मिलते हैं इस क्लास के नए टॉपिक्स पे।